तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ मुकेश और मैं आज को एक और नए वीडियो के साथ में। तो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं हैवोक ओएस 3.11 का, जो कि काफ़ी दिन हो चुके हैं इसको इंस्टॉल किए हुए। तो करते हैं इसका रिव्यू और जानते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या इसके अंदर खामियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो कि थोड़ा सा इसको डिसअपॉइंटिंग भी बनाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है तो कर लेना, नहीं करना तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो चलो चलते हैं अपने ये रिव्यू के ऊपर। तो ये है मैक्स प्रो M1 और ये इसके सबसे चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर हम चलते हैं कॉन्फ़िगर सेंटर में। तो भाई काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती हैं। स्टेटस बार के अंदर क्विक सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा, जो कि प्रोजेक्ट सकूरा, नुसांतारा रोम और भी जो इसी तरीके की जो रोम दिखती हैं, जैसे कि बहुत सारे रोम्स हैं इसी तरीके की, नुसांतारा प्रोजेक्ट सकूरा ब्लेस ओएस और भी काफ़ी सारे रोम्स हैं यहाँ पर देख ही सकते हैं आपकी। इसके अंदर बैटरी सेविंग इतना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलती हैं। लॉक स्क्रीन, एम्बिएंट डिस्प्ले, बटन एंड जेस्टर, जेस्टर नोटिफिकेशन बटन, बैटरी सेविंग, स्क्रीन एनिमेशन और मिसलेसेस और मीडिया। तो इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हमें सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। हम बात करें बैटरी की तो बैटरी आप देख सकते हैं कि 66% है, जो कि इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि 2% कारमास्टर, जो कि एकदम एवरेज ही देखने को मिलता है। बैटरी डेंट तो थोड़ा सा भाई ज़्यादा देखने को मिलता है, मैं आपको अभी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा बैटरी के बारे में। और इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करूँ तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो भी हमारे पास इसका डेटा है, तो भाई देख लेना आप। 3 घंटे 28 मिनट 58 सेकंड के अंदर इसने प्लस 78% से चार्ज किया है, 15% से 93% तक, और यहाँ पर 9 घंटे 6 मिनट में -28% डिस्चार्ज हुआ है। तो भाई देख लेना है, मुझे तो एवरेज ही लगता है क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं कि +8% 28 मिनट के अंदर, जो कि कभी कभी हो जाता है और कभी कभी वोल्टेज का भी यहाँ पर असर होता है, कभी कभी वोल्टेज कम आता है क्योंकि मैं गाँव से हूँ तो यार यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कम मिलता है। तो चलते हैं सेटिंग्स में दोबारा और भी सारे यहाँ पर दिखाते हैं सेटिंग्स क्या क्या देखने को मिलती हैं। बैटरी के अंदर मैंने बता ही दिया है, डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर एज लाइटिंग का तो भाई सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है एज लाइटिंग ऑटोमेटिक वर्क करता है। अब यार एज लाइटिंग है या नहीं है ये तो मैंने अभी नहीं देखा है और ना ही मुझे मिला है, लेकिन यहाँ पर एज लाइटिंग वर्क करता है। तो यहाँ पर फोन साइज वगैरह देख सकते हैं, डबल टिक टू वेक सब कुछ वर्क करता है। साउंड की बात करें तो भाई साउंड थोड़ा सा स्लो है, जो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका साउंड स्टेबल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड देखने को मिलता है। मैं आपको सुना दूँ कुछ साउंड वगैरह, तो ये है साउंड भाई, यार मुझे तो काफ़ी बेटर लगा है। और चलते हैं सिक्योरिटी में तो फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट है, जो कि बहुत फास्ट वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और बात करूँ अगर फेस अनलॉक की तो फेस अनलॉक भी भाई कम नहीं है, फेस अनलॉक भी बहुत मस्त तरीके से वर्क करता है। फेस अनलॉक में भी हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट के साथ साथ हमें ऐप लॉक भी देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं ऐप लॉक। और ये रोम यार कस्टमाइजेशन के मामले में तो नंबर 1 है ही, लेकिन इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है। जेन पार्ट्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जेन मोशंस देखने को मिल रहा है, एम्बिएंट डिस्प्ले जेस्टर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा हमारा एज लाइटिंग सिस्टम के अंदर भाई ज़्यादा कुछ तो है नहीं, OTA वगैरह का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अबाउट फोन के अंदर चलें तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर रन करता है और लेटेस्ट यहाँ पर अभी सितंबर का हमें सिक्योरिटी पर देखने को मिलता है, लेकिन हालांकि अब तो दिसंबर का महीना लग चुका है तो भाई दिसंबर का भी अपडेट जल्दी ही दे देना चाहिए। बात करें पेमेंट्स ऐप की तो भाई पेमेंट्स ऐप तो ढंग से काम कर रही हैं, SBI यूनो वगैरह सारा कुछ काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक मैजेस को कोई फ्लैश नहीं किया है। तो भाई अभी तक यार स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस रोम है, हालांकि इसका इंटरफेस देखने को ढंग का नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने जो GFs फ्लैश किए हैं वो नेक्स्ट GFs यूज़ किए हैं, इस कारण से इसका इंटरफेस देखने को ढंग का नहीं मिलेगा। तो ये मैं अभी GKM 7.6 जिसका वीडियो कॉल आ चुका है तो ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर प्ले स्टोर नहीं आया था, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हालांकि प्ले स्टोर तो अभी तक कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं आता है कैमरे के मामले में, लेकिन भाई इसका जो परफॉर्मेंस है
भाई कैन मास्टर वगैरह के अंदर वीडियो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट एडिटिंग होती है, बस थोड़ा सा माइनस सा चार्जिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ज़्यादा समय ले रहा है, अब वोल्टेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी तक मैंने मैनेज के फ्लैश नहीं किया है, तो भाई अभी तक तो डिवाइस वगैरह प्ले स्टोर पर प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड देखने को मिल रहा है, और अभी पेमेंट्स ऐप भी ढंग से काम कर रहे हैं, और कस्टमाइजेशन भी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं, डार्क मोड वगैरह काम कर रहा है एकदम परफेक्ट विद सिस्टम के साथ में। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हमें देखने को हालांकि ऐसी नहीं मिली है सिवाय बैटरी के, और ना ही कोई अभी लॉन्चर वगैरह स्टॉप हुआ है, फोर्स स्टॉप ना ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइस इज सर्टिफाइड, ये डिफ़ॉल्ट रूप से सर्टिफाइड देखने को मिलता है, कोई मैजेस का वगैरह कोई इंस्टॉल नहीं किया है, और पेमेंट्स ऐप तो जब डिवाइस सर्टिफाइड है तो पेमेंट्स ऐप तो वर्क करेगी ही डेफिनेटली। तो यहाँ पर इसकी यार परफॉर्मेंस के मामले में बहुत सही है ये रोम, और गेमिंग के लिए एक अलग से मोड भी दिया गया है सेटिंग्स के अंदर, तो गेम्स के लिए भी भाई मस्त ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यार इसकी परफॉर्मेंस यार अभी तक की जो रोम्स मैंने इस तरीके की रोम जैसे नुसांतर वगैरह ट्राई किए हैं तो इससे बेटर हमें रोम अभी तक देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने गूगल ऐप्स से गो एडिशन यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा माइनस पॉइंट अब देखने को मिलेगा, और भी कस्टमाइजेशन काफ़ी सारी देखने को मिलती ही हैं, और डॉल्बी का सपोर्ट भाई अभी तक तो इसको मैजेस्क से फ्लैश हालांकि नहीं किया, लेकिन इसके अंदर सपोर्ट जरूर करेगा क्योंकि अभी तक हमने फ्लैश नहीं किया। तो बस ये आज की वीडियो पर, कोई वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और देखते रहें आपको अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट टेक, तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।